हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति बिष्ट एक बार फिर से आपका अपने चैनल राइडर दीप्ति बिष्ट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक नई वीडियो आपके बीच लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि जब भी हम स्कूटी चलाते हैं और एक कंडीशन आती है किसी को लिफ्ट देने वाली, और लिफ्ट जिसको हम दे रहे हैं अगर वो वन साइडेड इस टाइप से बैठने वाली लेडी हो, तो किस प्रकार से स्कूटी चलाएं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो पे बने रहिए और जो मैं बताऊंगी उसको फॉलो करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, सेम वैसे ही चलना है, ये हमारी स्कूटी स्टार्ट होती है, जैसे हम अकेले में चलते हैं सेम वैसे ही चलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपने ध्यान देना होगा, जिनको आप लिफ्ट दे रही हैं या जिनको कहीं छोड़ने जा रहे हो, अपने रिलेटिव्स को या अपनी सास को, मम्मी को, किसी को भी पीछे बिठाया है और वो वन साइडेड बैठे हैं, तो सबसे पहले उनको समझा देना कि थोड़ा हिलाना, क्योंकि आप नए सीखने वाले हो, अगर थोड़ा भी मूवमेंट चलती गाड़ी में किया तो दोनों के गिरने का रिस्क रहता है। तो पहले समझा दीजिए कि प्लीज़ पीछे बैठ के मूवमेंट ना करें, और अगर हिलना भी हो तो पहले बता दें, फिर मैं स्कूटी स्टॉप कर लूँगी, फिर जाके थोड़ा सा कई बार क्या होता है, चलती स्कूटी में सडनली थोड़ा टेढ़ा जैसा हो जाते हैं, तो उसी में हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, हम पाँव का सहारा लेके चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे पाँव का सहारा लेके चलने की। और बार बार जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा, जो कि हम स्कूटी चला रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर डाउन होता है तो दोबारा, मतलब आराम आराम से, बिल्कुल जितना कॉन्फिडेंस आता है उतना ही चलेंगे, पीछे से बैठे हुए हैं और आराम आराम से, ये नहीं हम स्पीड में भगा के जैसे नॉर्मली हम चलते हैं उसी स्पीड में चल रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। एक साइड से बैठे हुए हैं, थोड़ा स्कूटी डिसबैलेंस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इस वजह से आप आराम आराम से प्रैक्टिस करिए। बाकी सेम वैसे ही स्कूटी चलेगी, और माइंड में ये डर मत बिठा के रखिए कि साइड से बैठी है तो कुछ होगा या कैसे संभाल पाऊँगी, ये मत सोचिए, चलते रहिए। जहाँ पे डर लगती है या गाड़ी डिसबैलेंस होती है, वहाँ पे पाँव का सहारा ले लीजिए, ऐसे ही चलते रहिए। एक दिन दिक्कत होगा, दो दिन, पाँच दिन, दस दिन, लेकिन जो 11वां दिन आएगा ना, देन आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और आप वैसे एक साइड से बिठा के सब लोगों को चलने योग्य बन जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद रखती हूँ कि जो भी मैंने बताया इसमें आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, और जब भी स्कूटी में वन साइडेड किसी को बिठाएं तो बताना ना भूलिए कि मैं नई नई सीखी हूँ, तो आराम से बैठिएगा और मूवमेंट ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी नेक्स्ट और बहुत यूज़फुल वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।